नमस्कार दोस्तों, बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे झगड़े के बीच एक सवाल उभरा है और वह यह कि आयुर्वेद और एलोपैथी में से कौन सी चिकित्सा पद्धति ज्यादा उत्तम है। इस टकराव से एक और सवाल पैदा हुआ है और वह यह है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच ये झगड़ा कितना पुराना है। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच ये संघर्ष काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी का इस्तेमाल 16वीं सदी से शुरू हुआ था। तब पश्चिमी भारत के तटीय इलाकों पर पुर्तगाल का कब्जा था और पुर्तगाल से भारत आने वाले जहाजों में व्यापारियों के साथ डॉक्टर भी हुआ करते थे। पुर्तगाल से आए इन डॉक्टर्स के माध्यम से ही भारत में एलोपैथी पहुंची है। हालांकि यह कुछ लोगों तक ही सीमित रही। उस समय लोग आचार्य और वैद्य ऋषि हकीम लोगों से इलाज कराया करते थे। लोग इलाज के इस नए तरीके से परिचित भी नहीं थे और जो परिचित थे वो इस पर भरोसा नहीं करते थे। यानी कह सकते थे जब से एलोपैथी यहां पर आई है तभी से आयुर्वेद और एलोपैथी पर यकीन करने वाले आपस में टकराव की स्थिति बनाते रहे। भारत में इस समय एलोपैथी के कुल डॉक्टर्स की संख्या 12,01,354 है। ये आंकड़े 2019 के है। अब हो सकता है ये आंकड़े कुछ बढ़ गए हो। इस हिसाब से देखें तो लगभग 1,125 लोगों पर एक एलोपैथी डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि आयुष चिकित्सा की संख्या, चिकित्सकों की जो संख्या है वो 8,00,000 ही है, जिनमें से आयुर्वेद के चिकित्सकों की संख्या लगभग 4,00,000 है, होम्योपैथी के 2,80,000 चिकित्सक है और यूनानी पद्धति के इलाज करने वाले चिकित्सक 47,000 है। इलाज की एक और प्राचीन पद्धति है जिसको सिद्ध कहते हैं। इसके 8,000 चिकित्सक देश में है और नेचुरोपैथी के भी लगभग 1,700 चिकित्सक इस देश में है। इस तरह से यह साफ हो जाता है कि आज किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए संसाधनों और एक्सपर्ट की जरूरत होती है, मशीनों की जरूरत होती है और वह एलोपैथी के पास ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार एलोपैथी से हर साल पूरी दुनिया में 20,00,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जाती है। वैसे एलोपैथी के इतिहास को और ध्यान से खंगाले और गहराई से खंगाले तो 1810 में जर्मनी के महान होम्योपैथिक चिकित्सक सैमुअल हनीमेहन ने पहली बार एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के एलोस और पैथोस शब्द से मिलकर बना है। एलोस का मतलब होता है डिफरेंट यानी कुछ अलग और पैथोस का मतलब होता है बीमारी। एलोपैथी शब्द इसीलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि होम्योपैथिक इलाज की जो पद्धति है वह कुछ अलग है। जैसे होम्योपैथिक इलाज में किसी मरीज को बुखार होता है तो उसे ऐसी दवाई दी जाती है जिससे बुखार और बढ़े। होम्योपैथी में बीमारी के कारण को ही बीमारी का निवारण माना जाता है, जबकि एलोपैथी इलाज इससे बिल्कुल विपरीत है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसे ऐसी दवाई दी जाती है जिससे बुखार कम होता है। कहने का मतलब यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सक सैमुअल हनीमेहन ने एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह पद्धति होम्योपैथी चिकित्सा से अलग थी और विपरीत थी। लेकिन समय के साथ एलोपैथी शब्द आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को परिभाषित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस को ही एलोपैथी कहा जाता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो संस्कृत भाषा के दो शब्द आयुर और वेद से बना है। आयुर्वेद, आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान। यानी आयुर्वेद जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है। यानी हमारे वेदों में आयुर्वेद का उल्लेख है और ये इलाज की सबसे प्राचीन पद्धति है। 18वीं सदी में जब एलोपैथी का भारत में विस्तार हुआ, भारत के लोग एलोपैथी पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब देश में चेचक की बीमारी आई तो इसका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया गया, लेकिन बहुत से लोगों की जान चली गई। इसके बाद 1796 में चेचक की वैक्सीन विकसित कर ली गई और अंग्रेजों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में शुरू कर दिया। चेचक के इस टीके से लोगों की जान बची तो एलोपैथी में लोगों का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद देश में एलोपैथी का विस्तार होता चला गया। हालांकि आचार्य और वैद्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस विरोध को दबा दिया। यानी कि उस समय से ही आप ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी के जानकार आपस में एक दूसरे का विरोध करते रहे। 1785 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मेडिकल विभाग का गठन किया। 1869 में इन तीनों मेडिकल विभागों को मिलाकर इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था इलाज के पश्चिमी तौर तरीकों को भारत में प्रोत्साहित किया जाए, लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाई जाए। करीब 200 सालों के अंग्रेजों के शासन में उपचार की यह पद्धति काफी लोकप्रिय हो गई और इस दौरान
अंग्रेजों ने भारत के कई शहरों में अस्पताल भी बनवाए। इससे पहले ये अस्पताल नहीं थे और भारत में डॉक्टर भी नहीं होते थे, भारत में वैद्य और हकीम होते थे। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी को लोगों पर थोप दिया गया हो, बल्कि इलाज की इस पद्धति ने लोगों की जान बचाई है, इसीलिए हमारा इस पर भरोसा बढ़ता चला गया। आज पूरे देश में कुल 69,000 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल है, जबकि आयुष अस्पतालों की संख्या कुल 3600 है। इनमें आयुर्वेदिक अस्पताल 2,827 है कुल, यूनानी अस्पताल 252 है, बाकी होम्योपैथिक और अन्य चिकित्सा पद्धति के 216 अस्पताल है। इस समय देश में 562 मेडिकल कॉलेज है, जिनमें MBBS की 85,000 सीटें हैं। इनमें 286 सरकारी और 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर बात आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थानों की करें तो देश में इस समय लगभग 250 आयुर्वेदिक संस्थान हैं, जिनमें लगभग 10,000 अंडर ग्रेजुएट और 12,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट है। इसी से आप एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच के अंतर को समझ सकते हैं, दोनों की दूरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, वह कितना मजबूत हो गया है और ये कितना कमजोर सा दिख रहा है। आज बाजार में सुविधाओं तक आयुर्वेद एलोपैथी के सामने कहीं भी ठहरता नहीं है।